हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे एक सिंपल सी बिहारी लंच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लौकी और अलसी की सब्जी विथ आलू चोखा एंड गोभी बचका। फ्रेंड्स, जैसा कि अलसी हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है और इस सब्जी में अलसी यूज होता है, इसलिए यह सब्जी हम लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी है। इसके लिए मैंने 1 किलो लौकी को साफ से धो के छील के छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है और कुकर में ले लूँगी। मैंने 1 टमाटो इसमें ऐड किया है और 1 रॉ मैंगो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। ये सब्जी थोड़ी खट्टी होती है, अगर आप खट्टा पसंद नहीं करते तो हाफ ही मैंगो ऐड करें। और ट्रेडिशनली इसमें टमाटर नहीं जाता है, सिर्फ रॉ मैंगो से बनता है। आप चाहे तो टमाटर के साथ बनाएं या फिर रॉ मैंगो के साथ ही बनाएं। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और 1/2 टीस्पून हल्दी। अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड करूंगी और 4 सीटी आने तक पका लूंगी। जब तक मेरा घिया बॉयल हो रहा है, मैं एक मसाला तैयार करूंगी। मैंने 4 टेबलस्पून अलसी लिया है और इसको ड्राई रोस्ट कर लूंगी। अलसी ड्राई रोस्ट हो गया है, मैंने अलसी को बॉल में सिट कर लिया है। अलसी को रोस्ट करने के बाद मैं कुछ मसाले भी रोस्ट करूंगी। 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड और 4 से 5 सूखी लाल मिर्च को भी मैं रोस्ट कर लूँगी। मसाला रोस्ट हो गया है, इसको भी मैं बाउल में सिफ्ट कर लूँगी और इसको ठंडा करके पाउडर बना लूँगी। घिया बॉयल हो गया है, अब मैं इसमें पाउडर मसाला ऐड कर दूंगी। पाउडर मसाला को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको स्लो फ्लेम पर 5 मिनट पका लूंगी। जब तक सब्जी पक रही है, मैं एक तड़का तैयार कर लूंगी। तड़के के लिए पैन में सरसों का तेल ले लूंगी। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून मेथी, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेजपत्ता। इसको तेल में डाल दूंगी और क्रैकल होने दूंगी। तड़का क्रैकल हो गया है, अब मैं 1/2 टीस्पून ही ऐड कर दूंगी। तड़का को सब्जी में ऐड कर दूंगी। मेरा सब्जी तैयार हो गया है। इस सब्जी को हम लोग राइस और आलू के चोखा के साथ खाते हैं। आलू का चोखा इस सब्जी के साथ मस्ट है। आलू के चोखा के लिए हमने 6 उबले हुए आलू लिए हैं और उसमें नमक स्वाद के हिसाब से ऐड करूंगी और आलू को मैश कर दूंगी। भरते में मैं तड़का डालूंगी, जिसके लिए पैन में तेल ले लूंगी। तड़के के लिए मैंने सरसों का तेल यूज किया है। मैं यहाँ 1.5 टीस्पून मस्टर्ड सीड और 5 से 6 सूखी लाल मिर्च ली हूँ। आप कम भी कर सकते हैं मिर्च, हम लोग तीखा ज्यादा खाते हैं। तड़के को तेल में ऐड कर दूंगी। लाल मिर्च और राई क्रैकल हो गया है, अब मैं 1/2 टीस्पून हींग ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो 1/4 ले अगर हींग ज्यादा पसंद ना हो। तड़का को भरते में ऐड कर दूंगी और इसी टाइम मिर्च को स्पैचुला की मदद से
अच्छी तरह से मैश कर दूंगी, नहीं तो बाद में सौगी हो जाएगा और भरते के साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। आलू का चोखा तैयार हो गया है। मैं इस सब्जी के साथ गोभी का बचका भी सर्व करती हूँ। 250 ग्राम गोभी को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून खसखस, 1/2 टीस्पून कलौंजी ऐड करूंगी, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। नमक के बाद 1 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड कर दिया है, 1/4 टीस्पून हींग, 4 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड कर दूंगी। चावल का आटा मैंने यहाँ बाइंडिंग के लिए यूज किया है, आप चाहें तो बेसन भी ले सकते हैं। अब इसको पानी के साथ मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसके पकौड़े बना लूंगी और बिल्कुल कम तेल में इसको धीमी आंच पर सेलो फ्राई कर लूंगी। पकौड़े को निकाल लूंगी। अगर आप सबको मेरी ये लंच की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें।